नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ। मेरा नाम आकाश गिरी है और जो मैं लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ चैप्टर 9th, इस बार भूगोल का, 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, सॉरी 9th क्लास का भूगोल का ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि आने वाले GS का पेपर है, ठीक है, NCERT काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे थोड़ी सी जियोग्राफी की बेसिक नॉलेज मिलेगी कि हमें आंसर राइटिंग को अपनी कैसे मजबूत बनाना है। वो कहते हैं ना कि छोटा हो या बड़ा, ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। ऐसी कोई सी भी क्लास की बुक्स हो, डजेंट मैटर, अगर हमें वहाँ से नॉलेज मिल रही है तो हमें वहाँ से नॉलेज लेना चाहिए, एक्वायर करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। रोज़ एक वीडियो आएगा जो कि NCERT से रिलेटेड होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप 9th क्लास से हो और या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि मैं बताने वाला हूँ इंडिया के बारे में, इंडिया का स्ट्रक्चर, इंडिया की स्थिति, आकार और स्थिति, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति, कौन सी प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। मतलब कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत काफ़ी पुराना है, चाहे उसकी कल्चर की बात हो, संस्कृति जो कि काफ़ी स्थिति, काफ़ी टाइम से इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे भी पहले, मतलब कि शुरुआत से ही, ठीक है। वो कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है भारत ने, हर क्षेत्र में उन्नति की है, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, तकनीक हो, सर्वांगीण हो, आर्थिक विकास, अद्भुत प्रगति की है और भारत विश्व के इतिहास में संपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर मैं मानता हूँ कि दुनिया में जो सबसे बड़ा इतिहास रहा है स्वर्णिम इतिहास, वो भारत का रहा है, स्वर्णिम इतिहास भारत का रहा है, चाहे वो संस्कृति कला की बात हो, चाहे तुम्हारे खान पान की बात हो, चाहे भारत की एरिए की बात हो, कुछ भी कहो, तो मेरे को तो लगता है कि भारत का ही गोल्डन हिस्ट्री रही है और किसी की नहीं रही। हमारे यहाँ अर्थशास्त्र, आर्यभट्ट जैसे लोग आए हुए हैं जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया, दुनिया को नीतियाँ बनाने की गुण दी है। मनु आए हमारे पास महाभारत, रामायण, सारी चीज़ें भारत की तो है। अब वो स्थिति देखते हैं कि भारत की स्थिति है कहाँ, भारत कहाँ पे मिलेगा एक्चुअल। वो कह रहा है कि भारत एक विशाल देश है, क्या है? हाँ, एक हम सबको पता है कि भारत दुनिया में 7वें नंबर पर आता है और पॉपुलेशन में 2रे नंबर पर आता है, ठीक है। वो कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कहाँ है? नॉर्थ हेमस्फेयर में। और जो वो कह रहा है इसका भूभाग जो मुख्य है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 47 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। कितनी, ये देखो याद रखना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। मतलब उनने बता दिया कि ये अक्षांशर और देशांतर रेखा, यानी लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बता दिया कि हम कहाँ पर स्थित हैं, हम यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ पर स्थित होंगे तो क्या होगा कि वो कह रहा है कि जो ये हमारी जो हिस्से हैं वो 2 बराबर भागों में बांटते हैं और मुख्य भाग भूभाग दक्षिण पूर्व में है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है, अरब सागर में, ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि देखो ये क्या, आप जानते हैं कि 2004 में सुनामी आई थी, ठीक है, जिसमें भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र था दक्षिण बिंदु, जिसे हम बोलते थे साउथर्न पॉइंट बोलते थे, जिसको इंदिरा बिंदु, इंदिरा गांधी के नाम से इंदिरा बिंदु कहा गया था, वो समुद्र में जलमग्न हो गया था, यानी कि कहीं ना कहीं समुद्र में पानी आने से वो बढ़ गया। ये देखो ये हमारा भारत है, ये जो पीला पीला दिख रहा है ये हमारा भारत है, पीला पीला ये हमारा भारत है, ठीक है। आकार देखते हैं, ये देखना, ऐसी चीजें ना आपको एक जो 8 डिग्री 4 मिनट ये आपके आंसर में ना वो जान डाल देती है कि आप देखते रह जाते हो, आप सामने वाला पढ़ता है कि हाँ भाई ये, मतलब ये छोटी छोटी बातों को जो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आकार की बात करें, भारत का भूभाग कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, कितना, 8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये मैप है, मतलब ये इन्होंने ग्लोब दिखा रखा है भारत और विश्व के, इन्होंने सारे लगभग सारे वो बता रखे हैं, महाद्वीप और महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो बता दिए इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने महाद्वीप बता दिए, ठीक है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, हम लोग किस महाद्वीप में आते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके आप आंसर में बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं कि हम लगभग विश्व का 2.4 हिस्सा लेते हैं,
ठीक है। और विश्व का सातवां बड़ा देश है, हमने बोला ना, भारत की स्थल सीमा जो है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितने स्थल सीमा? 15,200 किलोमीटर है। किसको लगा के? समुद्री तट लगा के, और लक्षद्वीप में अंडमान निकोबार लगा के 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि हमारी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, याद रखना, ये कहीं भी पूछ लिया जाता है, SSC, रेलवे, NTPC वगैरह में पूछ लिया जाता है कि भारत की तटीय सीमा क्या है और भारत विश्व में कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमा में नवीनतम वलित पर्वत है, नवीन मतलब न्यू पर्वत आ रहे हैं जिसको हिमालयन की रेंज में जाना जाता है, हिमालयन की रेंज होती है। ठीक है, उसके दक्षिण भूभाग में उत्तर में 24.5 डिग्री अक्षांश में हिंद महासागर के संग्रह होता गया है। हिंद महासागर छोटा होता गया है, देखो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ कहाँ है, ये देखो, ये साउथ में हिंद महासागर या बंगाली खाड़ी, अरब की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है ना पूरा। ठीक है, ऊपर वो कह रहा है इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है, अभी मैंने बताया आपको, अरब सागर है पूर्व में। ठीक है, वो कह रहा है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार दक्षिण उत्तर की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अब वो कह रहा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। भैया ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मेंस में, कई बार आंसर राइटिंग में भी आता है, ठीक है, पूछा जाता है, कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या रीज़न है। भैया देखो, क्या रीज़न है कि जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यानी पश्चिम से भारत के जो पश्चिम भाग है उससे पूरब की भाग जो हम जाते हैं तो 2 घंटे का स्थानीय समय में अंतर कैसे हो जाता है, तो वो चीज़। तो वो कह रहे हैं कि भारत की मानक मान्योत्तर माना गया है, यानी कि जो भारत की जो रेखा है 32 डिग्री या 30 मिनट पर पूर्वी देशांतर रेखा, उसको बोला गया है भारत की टाइमलाइन बोला गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण उत्तर की ओर दिन में रात की अधिक अवधि पर पड़ता है, जिसकी वजह से आंसर पता चला। ठीक है, ऐसी चीज है। ठीक, दूसरी, अब भारत तथा विश्व के साथ हम भारत को देख लेते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है हिंद महासागर, जो कि पश्चिम के यूरोपीय देशों और पूर्व एशियाई देशों को मिलाता है, भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यानी कि जो हम बात करें हिंद महासागर जो है वो भारत को केंद्रीय स्थिति देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एरिया से जो है अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि जो हिंद महासागर में किसी भी तटीय सीमा को भारत जैसा नहीं है, भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण भारत को क्या महासागर का नाम इस पर रखा गया है, ये क्वेश्चन है, आप जरूर बताइए। अब वो कह रहे हैं कि जो स्वेज नहर थी जो कि ब्रिटेन और यूरोप और मिस्र जैसे देशों के बीच में थी, उन्होंने उनका कि वहाँ पे जो स्वेज नहर 7,000 किलोमीटर को कम करी गई है भारत और यूरोप के बीच में, यूरोपीय देशों को, क्योंकि पूरा उन्हें घूम के आना पड़ता था। फिर उन्होंने 1869 में स्वेज नहर को खुलने से वो एक इन्होंने बे बना दिया और उस बे से ये लोग आते जाते रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे ये देखिए मैप है। ठीक है, यहाँ से देखो ये जो मैंने बोला पूरब, सॉरी ये पश्चिम और ये पूरब, उत्तर, दक्षिण, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, कोई बताएगा? ये बताएगा कौन सी लाइन है? ये जो हमारी है ये टाइम लाइन है, मानक उत्तर मित्र रेखा, ये टाइम लाइन है। और जो हमने इसको मारा वो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर शहर मारा, मिर्ज़ापुर टू नहीं, मिर्ज़ापुर शहर। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये हमारा मैप है। ठीक है, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड मार्ग, आप देख रहे हो कि ये मुंबई, मुंबई श्रीलंका हो तो फिर हमें कोलकाता जाना पड़ता है, या फिर हम यहाँ से ऐसे निकलते हैं अगर हम रोड के रास्ते उसके नीचे से जाएँ, क्या कहते हैं, समुद्र के रास्ते से जाएँ। ठीक है, ये देखो ये स्वेज नहर थी यहाँ पे, ये स्वेज नहर यहाँ से यहाँ खोल दिया, और जो 7,000 किलोमीटर दूरी यहाँ से सीधे हम यहाँ आ जाते थे मुंबई, और मुंबई नहीं जाना तो हम सीधे यहाँ पहुँच जाते थे कलकत्ता। ये सारी चीज़ें देख लो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु समुद्र जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होता था। अब देखो, हम ना यहाँ पे एक छोटी सी चीज हमें पता चलती है, क्या भारत के ऊपर जो हम व्यापार करते थे प्राचीन समय में वो जलमार्ग से करते थे या फिर भूमार्ग से करते थे? तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हम समुद्री जलमार्गों तो हमने बहुत बाद में ढूंढा है, बल्कि हम दर्रों यानी प्राचीन यात्रा काल में भारत आए थे दर्रों से, पर्वत होते हुए प्राचीन आते थे, जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय ज्ञात नहीं थे।
समय तक नहीं, अभी हुए ना ये तो इंडिया का बात जाता, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग वो खोजा था, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वस्तु आदान प्रदान करते थे और दक्षिण एशिया की पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क थे हमारे, बिल्कुल थे। रामायण में भी हमें मिला है कि हम श्रीलंका के साथ व्यापार, श्रीलंका के साथ थे, हमारे पंचतंत्र की कहानियाँ, भारत दशमलव प्रणाली आदि संसार में विभिन्न भागों तक पहुँच सके, मसाले मलमल आदि कपड़े में व्यापार, मेसोपोटामिया सभ्यता से हम लोग व्यापार करते थे, हमें तो मिलते हैं स्थापत्य कला भी मिलते हैं, गोवंद वगैरह, मीनार वगैरह, ठीक है। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी एशिया के एक महत्वपूर्ण स्थान है, भारत के कुल कितने पड़ोस है। वो कह रहे हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंदर, ठीक है। आपको पता है भारत की भूमि जो की जो सीमा है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। उत्तर में पाकिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान, ठीक है, लगती है, ठीक है। उत्तर में थोड़ी सी चीन, वो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है, उत्तर में चीन के साथ, ठीक है। देखो ये उत्तर पश्चिम की बात हो रही है, कहाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वही ना जहाँ अभी हाल ही फिलहाल में तालिबान वाला सिस्टम हुआ है, ठीक है, ये चीज। अब वो कह रहा है कि उत्तर में चीन और नेपाल और भूटान के साथ लगती है, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भारत की सबसे ज्यादा स्थल सीमा या फिर सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भैया ये बांग्लादेश है। देखो एनसीईआरटी से कितना होता है, कितना कवर होता है, ठीक है। कहाँ होती है, देखो उत्तर में चीन नेपाल, उत्तर में चीन नेपाल और भूटान के साथ लगती है, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद वो कह रहा है कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे दो महाद्वीप समूह है, एक तो श्रीलंका और एक मालदीप। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इस मैप में, श्रीलंका दिखा आपको, दिखा ये क्या है, ये द्वीपीय देश है, यानी कि एक द्वीप के ऊपर है और एक ये मालदीप दिख रहा है, हाँ ये मालदीप, ये छोटे से मालदीप द्वीपीय देश है। ये भारत के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, समुद्र के रास्ते से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी देखो वो कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, छोटा समुद्री रास्ता है जिसको पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, दो है, एक तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है, और एक पाक जल संधि जिसको पाक स्टेट कहते हैं। यूपी पुलिस में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा रास्ता है, या फिर पाक जल संधि किन देशों की, पाक जल संधि किसके मध्य है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है लक्षद्वीप, भैया ये देखो मैपिंग करना जरूरी है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लक्षद्वीप है हमारा, और ये जो लक्षद्वीप है इसके साउथ में क्या है, ये साउथ में मालदीप है, ठीक है। ये हमारा भारत है, उसके साउथ में, इसके नॉर्थ साउथ में, सॉरी वेस्ट साउथ में क्या है, श्रीलंका है, यानी कि दक्षिण भारत में, और ये क्या है, ये इंडिया का भाग है भाई, अंडमान निकोबार, कोई बाहर के द्वीप मत समझ लेना, बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं आपको मैपिंग के थ्रू भी बता रहा हूँ ये क्या है, ये इंडिया का ही भाग है, ठीक है। अब आप पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, मानचित्र में भी मैंने आपको दिखाई दिया है, क्लियर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, कर्क रेखा, मैंने यहाँ कर्क रेखा नहीं बताई आपको, चलिए कर्क रेखा भी बता दें, चलिए हम इस मैप में समझते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, देखो एक राज्य गुजरात, दूसरा ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, छोटा सा, ये राजस्थान, दो, तीसरा मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। यानी कि देखो ये जो लाइन दिख रही है पूरी कर्क रेखा है, ये किन किन जगह से किन किन राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक, जो कि भारत को दो हिस्सों में बांट देती है, ठीक, पूछा गया है। अब ये बताते हैं कि किन किन राज्यों से निकलती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ राज्यों से होकर गुजरती है, क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप लोग मेरे को जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए, धन्यवाद, मिलते हैं। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, हम इस तरीके से सारी एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करेंगे कि हमारी प्रीलिम्स से पहले पहले एनसीईआरटी हो जाए, ठीक है। और आपसे मैं गुजारिश चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और फैला दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एनसीईआरटी एक बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है जो कि एक जीएस के लिखने के लिए ज़रूरी है, और अगर ये ना
ये जो चीज़ के लिए लिखने के लिए ज़रूरी है, सबको पता है कि सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों का उत्साह मुझे नहीं दिखेगा तो मैं कैसे आपके लिए नई वीडियो लेके आता रहूँगा।